आपके सामने पैटर्न, जैसा कि ड्रेस शर्ट का कल मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको पैटर्न मेकिंग जो है ना वो बनाना बताई थी, तो आज पैटर्न को यूज़ करते हुए मैं शर्ट की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है, ठीक है। फैब्रिक को पहले मैं आपको बता दूँ कि इसको किस तरह से हमने यूज़ करना है। ड्रेस शर्ट बनाने के लिए हमेशा ये जो कन्नी वाली साइड होती है ना, इसको आपने इस तरह से पकड़ के यहाँ से आपने फ्रंट पट्टी के लिए फोल्ड कर देना है। और ये कितना फोल्ड करना है उसको मैं मेजर करके मैं बता देती हूँ। ये 2 इंच की पट्टी जो है ना वो आपने फोल्ड करनी है। बनाती हूँ उसके बाद मैं इसकी बैक साइड कटिंग करूँगी। ये मेरे पास पैटर्न है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से रखूँगी और बिल्कुल ये इसके बराबर, हाँ जी, ये इस तरह से मैंने पैटर्न रख के, तो 1/2 इंच के, यानी कि इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते सिलाई का, जेंट्स में 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं इसको मार्कअप कर लेती हूँ। हाँ जी, ये देखे मैंने पैटर्न रख के तो इसको मार्क कर लिया। अब ये मैं पैटर्न में डाल देती हूँ और ये जो मैंने मार्क किया है इसके साथ साथ मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। हाँ जी, ये देखे ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है, लेकिन गले का मैंने निशान नहीं लगाया था, ये मैं अभी इसको मार्क करके और इसके बराबर ही यहाँ पर ये चीज़ है और ये वाली मैं गले की कटिंग कर ली। और ये इसके साथ में ये हमारी फ्रंट साइड कटिंग होगी। अब इसके साथ ही मैं बैक साइड कटिंग करती हूँ, वो मैं बताती हूँ आपको। फ्रंट साइड के लिए जैसा कि मैंने ये पट्टियों के लिए ये कन्नी वाली साइड ली थी, लेकिन बैक साइड के लिए मैंने जो है ना वो थोड़ा सा इसको डिफरेंट करना है कि उसको इस तरह से मैं अब तय लगाऊंगी और एक साइड से जो है ना वो मैं इसके खर्चा वगैरह निकाल लूँगी और ये मेरी इधर से बैक साइड हो जाएगी। इसको मैं इधर से काट के बराबर कर लेती हूँ। हाँ जी, ये देखिए बैक साइड के लिए मैंने इधर से ये इस तरह से पीस ले लिया और जो एक्स्ट्रा पीस था वो मेरा ये निकला है। यहाँ से कफ कॉलर और जो है ना वो तीरा वगैरह हम निकाल लेंगे और इसको अब मैं यहाँ से इसी तरह 1/2 इंच के मार्जिन से मैं मार्कअप कर लेती हूँ। हाँ, ये देखें मैंने फ्रंट और बैक को इस तरह ऊपर रखा है। ये पट्टियों से जो है ना 1/2 इंच का फासला होता है, तो ये एक्यूरेट मेरा जो है ना इसके बराबर इस तरह से आया है। और बैक साइड भी जो है ना इस तरह से कम होती है और फ्रंट साइड थोड़ी ज़्यादा होती है। और फ्रंट कंधे की जो कटिंग होती है वो ये देखें ये इस तरह से, ठीक है। ये तो हमारी फ्रंट और बैक होगी। अब मैं इसकी जो है ना बाजू कटिंग करूँगी। हाँ जी, ये मैंने फैब्रिक के बाजू के लिए रखा है। बाजू के लिए जेंट्स जो बाजू होते हैं ना उसके लिए हम लोगों ने इस तरह से अरेब में फैब्रिक रखना होता है। ये अरेब में मैंने फैब्रिक रख लिया। अब इसके ऊपर मैं पैटर्न को इस तरह से रख के उसी तरह 1/2 इंच के मार्जिन से जो है ना वो इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से अरेब में बाजू काट ली है। अब इसकी फ्रंट साइड की जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है उसके लिए मैं बाजुओं की अलग अलग तह लगा के रखूँगी। पहले ये इस तरह से एक बाजू रखूँगी ऐसे, ठीक है। अब दूसरे बाजू को इस तरह से करके ये इस तरह से रखूँगी। ठीक हो गया। अब इसकी एक साइड ऊपर से ये उठा दूंगी और नीचे वाली ये वाली छोड़ के, तो पैटर्न के साथ भी कर सकते हैं। वैसे मैं अब इसकी थोड़ी सी फ्री हैंड कटिंग आपको बता देती हूँ। ये इस तरह से कटिंग करते हैं। ये ठीक है, ये इस तरह से। अब बैक साइड की जो चाक पट्टी हमने रखनी है ये फ्रंट साइड को दोनों को इस तरह से पकड़ लेना है और ये दोनों बैक साइड की होगी, तो इसको आपने इस तरह से सेंटर करके, 16.5 था ना हमारा, तो यहाँ तक मैं इसकी निशान लगाऊंगी और ये अंदर से जो है वो कट कर, ये कट हमारे बैक साइड से होंगे।
ये हमारे बाजू की कटिंग भी हो गई, इसको मैं अब साइड पे करती हूँ। ये मैंने 13 के लिए फैब्रिक लिया, इस तरह से मैं इसको डबल फैब्रिक लेके तो इस तरह से इसको तैप उठा लेती हूँ। तो ये मैंने 13 का पैटर्न बनाया हुआ था, इसको उस तरह से पकड़ के तो ये आप इस तरह से रखेंगे। इसका भी हाफ इंच के मार्जिन के साथ सिलाई का हिस्सा आप छोड़ दें, इधर से भी इतना छोड़ दें। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कौन था ये भी? हाँ जी, ये देखें तीरे की कटिंग मैंने कर ली है इस तरह से, ये आपके सामने है। या मेरे पूरे यानी कि बाजू की और